केपलर के नियमों के बारे में देखेंगे। अगले दो नियम प्रमुखता ग्रहों की गति के बारे में है। दूसरे नियम में कहा है कि ग्रहों ने उनकी भ्रमण कक्षा में भ्रमण करते हुए जितना क्षेत्र पार किया होता है वो हर समय काल में समान होता है, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। ये इधर हमें दिखाई देता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, इसलिए सूर्य के औसतन अंतर कम होने पर भी वहां का क्षेत्रफल स्थिर रहता है। ये हमारे ध्यान में आएगा। वही ग्रह सूर्य से दूर जाने पर उसकी गति धीमी सी हुई दिखाई देती है। तीसरा नियम उन ग्रहों का सूर्य से होने वाला औसतन अंतर और भ्रमण काल संबंधी है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का आवर्तन काल का वर्गफल ग्रहों के सूर्य से औसतन दूरी के घन क्षेत्र को समानुपाती होता है। इन तीनों नियमों का एनिमेशन हमने अभी यहां पे देखा है। अब केपलर ने ये तीन नियम बताने पर लंब वृत्ताकार घूमने वाले ग्रह अथवा सूर्य के नजदीक आने पर गति बढ़ाने वाले ग्रह अथवा उनकी गति संबंधित कुछ निरीक्षण तीसरे नियम में अंकित करना केपलर को आसानी से आया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये केपलर बता नहीं सके, और न्यूटन ने ये बता दिया। न्यूटन ने कहा कि इसमें जो अभिकेंद्रीय बल अथवा सेंट्रीपेटल फोर्स है कि जिसके कारण वे ग्रह दूर नहीं जाते बल्कि केंद्र की ओर खींचे जाते हैं, वही बल या शक्ति माने गुरुत्वीय बल अथवा गुरुत्वाकर्षण शक्ति है।